नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष बदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। यूपी में निकाय चुनाव से संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। चुनाव में कोई ना कोई अड़चन जरूर आ रही है। जब इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने आरक्षण रद्द करके चुनाव कराने के आदेश दिए, उसके बाद यूपी सरकार ने तुरंत ही आरक्षण को लेकर आयोग का गठन किया और अब यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। अब सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करेगी। इस खबर पर हमारी संवाददाता सुहानी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहानी, सबसे पहले ये बताएं कि SLP क्या है और इसके योगी सरकार को क्या फायदा होगा। जी बड़ी, सबको बता दें कि ये जो याचिका है जो हाई कोर्ट ने दिया है कि बिना आरक्षण के आप निकाय चुनाव कराइए, तो ये पूरी तरह से ये कोई भी पार्टी नहीं मान रही है कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव संभव नहीं है। सबको बता दें कि योगी सरकार ने इससे एक अपनी एक आयोग गठित किया है जो कि 5 सदस्यीय आयोग है और ये 6 मंथ का जो आयोग रहेगा और इसमें जो अध्यक्ष रहेंगे वो रिटायर्ड जज जो है राम अवतार सिंह रहेंगे और पूरी 6 मंथ के पूरे जो ओबीसी की जो भी रिपोर्ट कार्ड होगा वो देखेंगे 6 महीने तक और इसमें और भी 5 लोग है, 5 सदस्यीय ये आयोग है और 6 महीने तक आयोग पूरे ओबीसी का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा और फिर हाईकोर्ट को ये सौंपा जाएगा। तो इस प्रकार से जो योगी आदित्यनाथ है ये अपना एक आयोग गठित किए हैं और वो उनका साफ है तो यही कहना है कि जो निकाय चुनाव है वो बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं कराएंगे हम, क्योंकि ये संभव हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए असली बता दें जो पूरी मामला उनका है, जब योगी सरकार ने ये 7 दिसंबर 2022 को जो अब अपना ओबीसी अधिसूचना जारी किए थे तब उनके खिलाफ जो है 53 याचिकाएं दाखिल किया गया, इसकी पूरी तरह से गलत है। आप ऐसे अधिसूचना जारी नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इस पर लगातार इस पर कार्रवाई की, हाईकोर्ट ने कार्रवाई किया। 11, 12, 20 और 27 तारीख को अपना एक फैसला सुनाया कि आप बिना आरक्षण के आप निकाय चुनाव कराइए, लेकिन ये फैसला कोई भी पार्टी नहीं माना। साफ तौर पर यही कहना है कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं कर सकते। निकाय चुनाव पर संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं एक तरफ योगी सरकार निकाय चुनाव को लेकर आयोग गठित कर दिया है और अब आगे की क्या भूमिका बनती है, क्या योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, ये देखने वाली बात होगी। सुहानी, क्या योगी सरकार SLP दायर करेगी और उसको लेकर आगे की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है आपको? जी नहीं, सबको बता दें कि जो भी ये योगी सरकार कर रहे हैं उसके एक चुनाव में एक अलग ही देखा जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले पे सबका यही कहना है कि ये फैसला हम मंजूर नहीं करेंगे। सभी विपक्ष दल जो है इससे भाजपा सरकार को निशाना भी कथित दे रही है कि ये भाजपा का पूरा ये एक साजिश है और इसीलिए योगी सरकार अपना एक अलग जो आयोग गठित किया है। उत्तर प्रदेश में लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन शिकायतों पर प्रमुखता से कार्रवाई का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने प्राथमिकता के बाद अब इंटेलीग्रेट ग्रेवांस रिडिलेक्शन सिस्टम और सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायतों के समाधान में लापरवाही देखने को मिल रही है। इस पर सीएम कार्यालय में लखनऊ सहित 24 जिलों के नोडल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, IGRS को अगर आसान भाषा में बोला जाए तो क्या कहा जाएगा और इस पोर्टल में दर्ज हुई शिकायतों को लेकर लापरवाही सामने आई है, इस पर सरकार क्या एक्शन में लेती दिख रही है आपको? IGRS की स्थापना इसलिए की गई थी कि IGRS के माध्यम से जो समस्या है कि सुनवाई हो सके, शिकायतकर्ताओं को परेशान ना होना पड़े और डाटा रहे, डाटा के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान की जानकारी लगभग 24 जिले की जो नोडल अधिकारी है उनसे यहाँ पर कार्रवाई की बात कही गई है, क्योंकि हमने देखा है कि लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, बांदा, बस्ती, सहारनपुर, कासगंज, बरेली समेत तमाम 24 जिलों में स्थिति ये है कि वहां पर शिकायतकर्ता के नाम से नंबर किए जाते हैं, ना ही शिकायतकर्ताओं को पूरी जानकारी दी जाती है, जिसके चलते लगातार अक्टूबर से यहां पर शिकायतें सीएम व्यवस्थाओं को पहुंच रही थी, सीएम आवास में पहुंच रही थी और इसके माध्यम से ये बताया जा रहा था कि आईजीएस के नाम पर केवल खिलवाड़ किया जा रहा है, सीएम हेल्पलाइन के नाम पर केवल लोगों को बनाया जा रहा है। इसके चलते यहाँ पर बड़ी कार्रवाई यहाँ पर योगी सरकार द्वारा की है
कि आप 24 जिलों के नोडल अधिकारी हैं जो आईजीएस के, उनको उस पर कार्रवाई की जाए। तो जब पूछा जाएगा शिकायतकर्ताओं के नाम के भी भरे गए, उनके नंबर के भी भरे गए, कई जगह जो नंबर झंड भर दिए गए, फर्जी भर दिए गए, तो तमाम तरह की शिकायत लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचेगी। इसके बाद यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया जी। गौरव, आपको क्या लगता है किन किन अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि शिकायतों की अगर निस्तारण नहीं हो रहा है तो एक बड़ी लापरवाही है, जबकि योगी आदित्यनाथ खुद ये अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी शिकायत को हफ्ते भर से ज्यादा ना टाला जाए और उस पर तुरंत कार्रवाई करके उसको सांत्वना दी जाए इसको लेकर। तो आपको क्या लग रहा है अधिकारियों, कहीं ना कहीं अधिकारियों पर इसकी गाज गिरती आपको नजर आ सकती है? बिल्कुल, कितना भी चाहिए मनीष, यहाँ पर महत्वाकांक्षी की योजना रही है और इसके माध्यम से कहा गया कि हमेशा लोगों को समय पर लाभ मिलेगा, सुनवाई होगी, समस्या का निस्तारण होगा, पर यहाँ पर निस्तारण तो हो नहीं रहा था। 24 जिले बड़ी बात है और 24 जिलों में जिस तरह से अधिकारियों की भूमिका रही है, बहाली रही है, इसको लेकर अब सरकार यहाँ पर सक्रिय कदम उठाने जा रही है और यहाँ पर सभी 24 जिलों के नोडल अधिकारी आईजीएस के हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम हेल्पलाइन को देखते हैं के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो विभागीय अधिकारी है जो खराब डाटा पेश करते हैं, फर्जी डाटा पेश कर देते हैं या शिकायत का निस्तारण होता नहीं है और केवल लिख देते आख्या लगा देते कि निस्तारण हो गया है, तो कहीं ना कहीं उन सभी पे गाज की नीतियां है जिन्होंने मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण योजना का मफल उड़ाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा इसलिए शुरू की गई है कि लोगों को न्याय मिले, उनकी शिकायत का निवारण हो, शिकायत कैसी भी हो, चाहे पुलिस विभाग की हो, चाहे गृह विभाग की हो, चाहे नगर निगम की हो, चाहे पीडब्ल्यू विभाग की हो, किसी भी विभाग की शिकायत अगर यहाँ पर की जाएगी उसको उसका शिकायतकर्ता को उसका लाभ मिलेगा, उसका निस्तारण होगा। पर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर गलत गलती हो रही है, जिला बहाली हो रही है, तो यहाँ पर योगी सरकार सक्रिय हो, यहाँ पर कार्रवाई होने जा रही है। गौरव, पूरे प्रदेश भर से लोग आते हैं योगी जी से मिलते हैं अपनी शिकायतों के समाधान के लिए, रात रात से पहुंचते हैं, बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं, लेकिन जब उनके शिकायतों का निस्तारण नहीं होता है तो वो परेशान होते हैं। आपको क्या लगता है कि अधिकारी जो हैं ये कहीं ना कहीं लापरवाही इनकी बराबर देखी जाती है, और योगी सरकार अगर एक्शन मोड में आती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको नुकसान इसका उठाना पड़ेगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव और दूसरा ये निकाय चुनाव भी करीबी हैं और इसमें जनता की अगर सुनवाई नहीं होगी तो उसका खामियाजा तो उठाना ही पड़ सकता है। जनता दरबार में पहुंचते जब मुख्यमंत्री गोरखपुर में लगाते, लखनऊ में लगाते हैं, बात पहुंचते पर फीडबैक ये आ रहा था मुख्यमंत्री के पास कि जनता दरबार में पहुंचे लोग बता रहे थे कि हमने आईजीएस के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है, उसके बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो वही लोग जाकर मुख्यमंत्री दरबार में जनता दरबार जो करते हैं वहां पर मिले, उनको बताया तो मुख्यमंत्री को आभास हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षी योजना जिन्होंने गरीबों के लिए बनाई है, जो हर तबके के लिए बनाई है, जिससे हर जो शिकायतकर्ता को लाभ मिल रहा था, एक अच्छी पहल सरकार द्वारा की गई थी और लगातार उसको लाभ भी मिल रहा था लगातार, और जिस तरह से यहाँ पर शिकायतें आई है, अक्टूबर में शिकायतें आई, इसकी जानकारी की गई, तो कहीं ना कहीं कमियां पाई गई, उसकी कमियों को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर नोडल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का बेहतर प्रयास यहाँ पर है कि अगर हमने किसी योजना को शुरू किया है उसका माहौल क्यों बनाया जा रहा है, उसको हीला बहाली क्यों हो रही है, जो भी जिम्मेदार अफसर है उसकी कुछ कार्रवाई भी होगी और जवाबदेही भी होगी कि अगर कोई भी आईजीएस हुए है उसे क्या समाधान किया गया है, क्या किया गया है और शिकायतकर्ता उससे संतुष्ट है या नहीं है। गौरव, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मदरसों में जकात और सदके के नाम पर आ रही फंडिंग के पैसों की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो ईडी और आईटी की मदद भी ली जाएगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ मौजूद है। विभांशु, धर्मपाल सिंह का फिर से एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने सूबे में एक बार फिर से मदरसों का मसला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप और कितने हद तक धर्मपाल सिंह का ये कहना सही है? मनीष जी, अगर बात की जाए तो आपने पूर्व में देखा कि उत्तर प्रदेश मदरसा परिषद की तरफ से एक सर्वे कराया गया, ये आरोप था कि उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसे कई सारे अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं, जिसके बाद मदरसा बोर्ड ने इसका सर्वे करवाया। अगर बात की जाए तो प्रदेश में मदरसा जो है, जो अगर देखे तो मानता मदरसों की संख्या तो 16,513 थी, जिसकी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज कर ये कहा गया और एक समय सीमा दी गई कि आप मदरसों के सर्वे करें और कौन से मदरसे चल रहे हैं और कौन से कहां कितने बच्चे हैं, इन सब चीजों की आप ब्यौरा भेजें। इसमें अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लगभग 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हुए, इसको लेकर जो सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री है
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का यही इस सर्वे से करना है कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम करना है। वही कहीं ना कहीं इसने धर्मपाल सिंह जो कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं उनका कहना था कि मदरसों को हम मुख्य धारा से और डिजिटल क्रांति से जोड़ने के लिए सर्वे करवा रहे हैं। वही अगर बात की जाए मनीष जी, तो इस सर्वे से कहीं ना कहीं देखे तो तमाम विपक्षी दल इसको लेकर अपनी जो कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आए, जिस पर बचाव करते हुए कहीं ना कहीं सरकार के मंत्री वो भी नजर आते हैं। आपको बता दें कि 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के सभी मदरसे जो है उनका सर्वे करके और शासन की रिपोर्ट भेज दी गई। उसके ठीक बाद अब उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह की तरफ से एक बयान आया है जिसको उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में जितने मदरसे चल रहे थे या वो कहीं ना कहीं सर्वे के पहले से जो 16,513 मदरसे चल रहे थे उनमें जो फंडिंग गई है यानी कि जकात, इन सभी चीजों की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ी तो हम ईडी और आईटी का भी यानी कि इनकम टैक्स का भी इसमें मदद लेंगे। तब देखते हुए बात ये होगी मनीष जी कि जहाँ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ईडी और आईटी को लगाएंगे, तब देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ कई जब सर्वे हुआ तो ऐसे कई सारे ऐसे मदरसे दिखे जो पेपर में वहां बजट जा रहा था बच्चों के नाम के, मगर अगर हकीकत की बात करें तो मदरसे कहीं नजर नहीं आए। अगर बात की जाए तो ऐसे कई सारे मदरसे कई जिलों में चल रहे थे जो गैर कानूनी थे। अगर बात की जाए तो सबसे अधिक अगर देखे तो मुरादाबाद में 550 अवैध रूप से मदरसे चल रहे थे। वहीं अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पे बस्ती में 350 मदरसे चल रहे थे। वहीं अगर बात की जाए तो लखनऊ में 100 मदरसे गैर कानूनी ढंग से चल रहे थे। प्रयागराज की बात करें तो वहां 90 मदरसे चल रहे थे। आजमगढ़ की बात करें तो 95 और मऊ में अगर बात करें तो 90 चल रहे थे। वही कानपुर की अगर बात करें तो 85 मदरसे गैर कानूनी ढंग से चल रहे थे, इनका संचालन किया जा रहा था। अब देखते हैं बात ये होगी शासन की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है, शासन को जो जिले के जिलाधिकारी रिपोर्ट देते हैं उसमें संज्ञान लेते हुए अब मदरसा बोर्ड इस पर क्या फैसला सुनाता है। अब धर्मपाल सिंह के बयान से कहीं ना कहीं सियासी घमासान तेज हो गया है क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जकात की राशि है यानी कि जो फंडिंग होती है विदेश के या अलग अलग जगहों से देश के उसकी भी जांच की जाएगी कि आखिर कुछ ऐसे पैसों को मदरसों के अकाउंट में भेजकर क्या सफेद तो नहीं किए जा रहे। इन सभी चीजों को अब जांच की जाएगी जैसा कि धर्मपाल सिंह सैनी अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कह रहे हैं। जी विभांशु, से पहले भी मदरसों को लेकर सियासत हो चुकी है और ये साबित भी हो चुका है कि बड़ी संख्या में मदरसे खुले हुए हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और बड़ी संख्या में वो फंडिंग भी उठा रहे हैं और उस फंडिंग का कोई भी लिखा पढ़ी नहीं है। इसी को लेकर ये जांच भी बैठ चुकी है और इस पर जो है इसकी पड़ताल भी करी जा चुकी है और ये चीज़ें सामने निकल कर आई हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो फंडिंग आ रही है मदरसों के नाम पर वो कहाँ जा रही है, आखिर वो कौन इस्तेमाल कर रहा है। और जब सरकार की तरफ से जो फंडिंग दी जा रही है वो भी इन मदरसों को मिल रही है, उसका भी लेखा जोखा काफ़ी हद तक नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रश्न तो ज़रूर उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर प्रदेश और देश में मदरसे चल रहे हैं तो आखिर उनकी लगाम किसके हाथ में है। फिलहाल क्या आपको लगता है कि ईडी और आईटी इसकी जांच कर सकती है? ये बिल्कुल अगर बात की जाए तो अब धर्मपाल सिंह सैनी यानी कि अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री ने साफ तौर से कहा है जो फंडिंग मिल रही थी मदरसों की यानी जकात मिल रही थी मदरसों को उसकी जांच की जाएगी। अगर बात की जाए तो अभी जांच की जाएगी, जांच में अगर साफ नहीं होगा उनको बयान को अगर जोड़ के देखे उनके बयान से साफ होता है कि अगर कहीं ना कहीं मुश्किल पड़ती है तो ईडी और साथ ही साथ आईटी यानी कि इनकम टैक्स को भी इसमें उतारा जा सकता है। अब देखना ली बात ये होगी मनीष जी कि जांच में क्या क्या साफ होता है क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम याचिकाकर्ता मदरसों पे सवाल उठा रहे थे। वही अगर बात की जाए तो विपक्ष से इसको लेकर कहीं ना कहीं हमलावर हुआ था कि कहीं ना कहीं मदरसों की जांच को लेकर एक समुदाय को सरकार टारगेट कर रही है। अब अगर बात की जाए अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री इस पर अब बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि मदरसों का विकास हो, मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उन्होंने साफ तौर से हर वक्त इस बात को दोहराया है कि एक हाथ में कुरान और देखने में एक दूसरे हाथ में लैपटॉप यानी कि डिजिटल क्रांति से जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। अब सर्वे हो चुका है, अब जकात यानी कि जो पैसे आते हैं फंडिंग की उसकी जांच होनी है और जरूरत पड़ी तो आप देखा कि मंत्री जो विभाग के हैं उनका साफ कहना है कि हम इसमें अन्य एजेंसियों का भी सहायता लेंगे। वही अगर बात की जाए
कहीं ना कहीं मदरसे जो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उनकी भी आशा अपेक्षाएं बढ़ गई है कि उस धारा से जोड़ा जाए और वहां भी डिजिटल क्रांति के तहत स्मार्ट क्लास और जो सभी सुविधाएं दी जाए जो अन्य विद्यालयों को उत्तर प्रदेश में दी जाती है। जी विवांशु, उस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। ताजा मामला आगरा का है जहां पर एक विदेशी संक्रमित पर्यटक लापता हो गया। अर्जेंटीना से आए पर्यटक ने स्वास्थ्य अधिकारियों को अपना गलत नंबर बताया था। ताजमहल घूमने आए एक यात्री कोरोना संक्रमित पाया गया है और अधिकारियों की लापरवाही से आज वो संक्रमित अधिकारियों की गिरफ्त से बाहर है। उसका कोई भी संज्ञान नहीं लग रहा, उसका कोई पता नहीं चल रहा है और जो नंबर वो दे के गया वो नंबर अपना गलत दे के गया, जिससे वो विदेशी संक्रमित व्यक्ति अगर दूसरे लोगों के संपर्क में आएगा तो उनको भी कोरोना संक्रमित कर देगा। अब स्थितियां बहुत भयावह हैं, कोरोना की जिस तरह से पैंडेमिक बढ़ता जा रहा है ये चिंता का विषय है। इस खबर पर हमारे साथ विवेक शाही हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, विदेशी संक्रमण पर्यटक जो लापता हो गया है इसको लेकर क्या कहेंगे, कितनी अधिकारियों की लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है, दूसरा संक्रमण की स्थिति कितनी तेजी से बढ़ रही है और इसमें प्रदेश के देश के क्या हालात आपके नजर में है, थोड़ा सा इस पर जानकारी चाहेंगे। देखिए मनीष जी, पिछले 24 घंटे में 5 नए कोरोना के मरीज उत्तर प्रदेश में मिले हुए हैं और एक्टिव केस की संख्या जो है 50 के आसपास अब चली गई है, 50 के आंकड़े को छू रही है जो कि एक चिंताजनक विषय है। खैर अभी तक नए जो वेरिएंट आया है कोरोना का, तो नया वेरिएंट है उन्नाव और आगरा के अलावा कहीं और इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, तो फिलहाल नए वेरिएंट को लेकर उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये जो आगरा में जो ताजमहल दिखने सैलानी आया था उसने अपना जो नंबर है वो पंजाब का नंबर दिया था, एक फर्जी नंबर दिया था और उसके बाद जो है साथ विभाग ने उसके नंबर जब खंगाला टटोला तो वो पंजाब का नंबर निकला और जब उसके आरटीपीसीआर में जो संक्रमित पाया गया उसके पास से वो विदेशी पर्यटक गायब है। स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार परेशान है क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और जिस तरह से देखा जाए कि एक संक्रमित व्यक्ति अगर भीड़ भाड़ इलाके में घूमता है तो वो संक्रमित कई लोगों को संक्रमण जो है पैदा कर सकता है। अगर कहीं उसके में कोरोना का कोई नया वेरिएंट होगा जिससे संक्रमण की दर अब तक की वेरिएंटों में सबसे अधिक है, कम से कम 18 से 20 लोगों को ये संक्रमित एक बार कर सकता है, तो ये काफी जो है वो खराब चीजें होंगी जनता के स्वास्थ्य के लिए, प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि अगर वो घूमता रहा आइसोलेट नहीं हुआ तो वो कई लोगों को संक्रमित कर जाएगा और उसके गायब होने के पीछे भी यही कारण है कि वो आइसोलेट नहीं होना चाहता था, जिस वजह से वो अपनी पहचान छुपा कर आया था और यहाँ से गायब हो गया था और पूरी तरीके से अब तक उसका पता कोई नहीं है। साथ ही पर एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा हो गया है, अधिकारियों पर एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा हो गया है, बहुत बड़ी लापरवाही साथ विभाग की तरफ से। विवेक, अर्जेंटीना से आए इस पर्यटक स्वास्थ्य अधिकारियों को अपना गलत नंबर दिखा के बता के फरार हो गया, अब उसकी किसी भी शिनाख्त उसकी नहीं हो पा रही है, इनकी पकड़ से बाहर है वो। फिलहाल अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में अब जो स्वास्थ्य की स्थितियों के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको कितना सही नज़र आ रही है कि वहाँ पे लोगों को क्या उचित जो व्यवस्था प्रदेश सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जो विजय पाठक डिप्टी सीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है, क्या आपको धरातल स्तर पर वो चाक चौबंद नज़र आ रही है? बलरामपुर अस्पताल में मॉकड्रिल के पहुंचे थे, बाकी पदाधिकारी लोकबंधु अस्पताल पहुंचे थे मॉकड्रिल के लिए और जो मॉकड्रिल में हमने जो देखा कि बलरामपुर अस्पताल जो है वो कोरोना के प्रबंधन को लेकर काफी तैयार है, नए तैयारी है। अगर आईसीयू की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें तो अस्पताल प्रशासन जो है और स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता जो है कमी देखी जा रही है। भीड़ भाड़ के इलाके में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और जहां तक बात किया जाए टीकाकरण तो वैक्सीन और कोविशील्ड ये दो टीकाकरण जो है ये दो कंपनियों के टीके जो है लोगों को लगे थे, इस समय केवल कई जगहों पे कोवैक्सीन अवेलेबल है। ऐसे में प्रश्न ये उठ सकता है कि जिन लोगों को कोविशील्ड लगनी है बूस्टर डोज उनको कोविशील्ड लगनी है तो कोविशील्ड है नहीं कोवैक्सीन है, जो लोग कोवैक्सीन लगा चुके हैं उनके लिए तो राहत की बात है, लेकिन कोवैक्सीन के अलावा स्पुतनिक हुआ कोविशील्ड हुआ अगर इनके बूस्टर डोज वाले लोग आते हैं या सेकेंड डोज वाले लोग आते हैं तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, अगर इस बीच में कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा तो टीकाकरण कितना तेज हो पाएगा, कुल 1,35,00,000 लोग टीकाकरण ले चुके हैं जिनसे 95,00,000 लोगों ने बूस्टर डोज लिया है, लेकिन अभी भी 35 से 40 लाख लोगों को बूस्टर डोज लेना बाकी है और
ये टीकाकरण में धीमी रफ्तार कही जा सकती है, इस प्रकार से कि सिर्फ कोविड वैक्सीन ही अवेलेबल है, जबकि कोविशील्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोविशील्ड लगाने वाले लोग खराब हो जाता है, तो यहाँ थोड़ी धीमी रफ्तार देखने को मिल रही है। मनीष, फिलहाल विभाग ये कह सकते हैं कि देश प्रदेश की जो भी स्थिति है वो संतोषजनक है और उस भयावह स्थिति से अभी बचे हुए हैं। फिलहाल विवेक, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।